अमृतसर में गोल्डन टेंपल के बाहर गोली चली है तो सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया गया है। हमले में बाल बाल सुखबीर सिंह बादल बचे तो पुलिस ने गोली चलाने वाले को पकड़ लिया है। फायरिंग के बाद गोल्डन टेंपल की सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तो सुखबीर सिंह बादल पर यह जानलेवा हमला हुआ तो हमले में सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बचे तो पुलिस ने गोली चलाने वाले को पकड़ लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फायरिंग के बाद गोल्डन टेंपल की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। तो अमृतसर में गोल्डन टेंपल के बाहर यह गोली चली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तो सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला किया गया तो पुलिस ने गोली चलाने वाले को पकड़ लिया है और इस हमले के बाद से गोल्डन टेंपल की सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तो अमृतसर में गोल्डन टेंपल के बाहर ये गोली चली है। सुखबीर सिंह बादल के ऊपर ये जानलेवा हमला किया गया और इस हमले में बाल बाल सुखबीर सिंह बादल बचे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं तो पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया है और गोल्डन टेंपल की सुरक्षा को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। देखो जी साडा प्रॉपर सिक्योरिटी प्रबंध सी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਹਾਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਾ ਕੀਤਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਸੋਨੂੰ ਜੀ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਆ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਚੌੜਾ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਇਹਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ